हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। आज का जो डे है ये है 15 तारीख का फ्रेंड्स। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 2 बज गए हैं फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स, मैं कल ही आई थी अपने घर से। 14 थी कल, और कल मकर संक्रांति थी, और उससे पहले लोहड़ी थी। लोहरी बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं फ्रेंड्स। मैं ना, मुझे बोलना नहीं आता, तो उसकी वजह से मैं बोलती भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं कल शाम को ना आ गई थी यहाँ पर घर पे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे काम थे, और 16 से ना स्कूल खुल रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे कुछ यहाँ पर काम भी थे, जैसे राशन वगैरह जो काम था ना राशन का, तो वो वगैरह ख़त्म हो रखा था। तो हमारे में ना फ्रेंड्स, कल के दिन जो मकर संक्रांति होती है ना, उसमें हम खिचड़ी खिचड़ी हमारे गाँव में मनाते हैं। तो वही मम्मी ने सबको, मेरी जो दो सिस्टर हैं उनको बुला रखा था, मैं पहले से गई हुई थी। और ये देखो, ये साथी तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो बस हम लोगों ने कल एंजॉय कर लिया था। मेरी सिस्टर आई थी, आप जानते हैं, नायरा मम, बट मैंने वहाँ का वीडियो शूट नहीं करा। बस मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी ना मेरी जो मम्मी है ना, उनका ना अभी थोड़ा सा घर वर का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से नहीं बनाई बस वहाँ पर। और मैंने रील्स वगैरह डाली थी, तो बस हो गया है। और ये देखो, इस कमरे का ऐसा हाल हो रखा है, यहाँ पर बिस्तर रखा है, जैकेट मेरी रखी हुई है ये। और फ्रेंड्स, घर की ना बैंड बजा रखी थी मेरे हस्बैंड ने, बहुत ज़्यादा इतना गंदा रखा था, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये बाथरूम है ना, ये भी बहुत गंदा हो रखा था, यहाँ कभी मैंने ठीक कर दिया। और ये देखो, ये मेरे कान्हा जी, इनकी भी पूजा कर दी है देखो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैं जो मेरा किचन है ना, ये तो बिल्कुल साफ था, बट किचन में ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो कितना अच्छा काम कर रखा है। ये फ्रेंड्स पूरा जला हुआ था, इसको मैंने थोड़ा सा साफ किया है, और इसमें मैंने पानी और थोड़ा सा किसी से मैंने पूछा था, अपनी सिस्टर से पूछा था, मीठा सोडा होता है ना वो डाल के, और थोड़ा सा सर्फ डाल के इसमें भी पानी डाल के रख देंगे ना तो जल्दी छूट जाता है, तो मैंने सुबह से ही रखा हुआ है गर्म पानी में। तो देखते हो कब तक साफ होगा, इतना गंद मचा रखा है पूरा। तो 1 किलो दूध जला दिया मेरे हस्बैंड ने, फुल क्रीम। मैंने सोचा था मेरे हस्बैंड आराम से ना घर में रहेंगे तो चाय वाय पी लेंगे थोड़ा सा, बट जो काम था जलाने का काम करा। तो चलो कोई बात नहीं, अब वो ठीक हो जाएगा। और अभी हम तैयार हो गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, राशन के काम से जा रहे थे राशन के, और अभी जा रहे हैं हम, मेरी जेठानी का जो बेटा है ना, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो वहाँ जा रहे थे हम लोग उनको देखने के लिए। उनके बेटे की ना थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ से आने के बाद हम राशन लेते हुए आएंगे, ठीक है? तो फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ, देखती हूँ क्या क्या करते हैं, क्या क्या सूट कर पाती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हम वहाँ से निकल गए थे, और शाम के समय निकले थे, तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था वीडियो। तो हम पहुँच गए थे अपने यहाँ पर उत्तम नगर में। उत्तम नगर का ये एरिया दिखा रही हूँ मैं आप सभी को, तो आपने देखा हो तो। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं, और टाइम हो रहा फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, और 7 बजे हम आए हैं। और ना
हमें बहुत टाइम लग गया, हम हॉस्पिटल नहीं जा पाए फ्रेंड्स। और क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि हमें ज़रूरी काम आ गया था। हम लोग ना प्लॉट पे चले गए थे। ये देखो, ये आ गया है सामान, ये है इसमें बाकी सामान, ये देखिए। और बाकी सामान निकल गया, ये देखो निकाल भी दिया है। ये ना फ्रेंड्स, तो वो जो तेल की शीशी होती है ना, ये देखो ये आटा रखते हैं। और जो शीशी होती है ना, ये देखो ये वाली, ये ना थोड़ी सी ना लीकेज हो गई थी, क्योंकि आगे रख के लाए थे हम स्कूटी पर ही। हमने ना डिलीवरी वाले जो भैया लेकर आते हैं ना, वो ना इस समय पे गांव गए हुए थे, तो उन्होंने बोला अभी डिलीवरी का 2-3 दिन में आएगा अगर आप करोगे तो। फिर हमने बोला कि नहीं, 2-3 दिन में तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। थोड़े से बर्तन है ये देखिए, पहले उनको धोऊंगी। और जो मेरा पतीला है वो गंदा है, उसको धो के फिर लगती हूँ मैं किचन के काम में, ठीक है। एंड तक ब्लॉग जरूर देखना मेरा, तभी मज़ा आएगा आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मंडे का डे है और इवनिंग का टाइम है, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी शाम की तैयारी। तो शाम की फ्रेंड्स तो इतना नहीं है, शाम को मैं बना रही हूँ, इस समय पे चाय बना रही थी। और सारा सामान डाल के मैं जा रही हूँ वहाँ पर, इस कमरे में आ गई हूँ। और कपड़े लेकर आ गई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये दूसरे कमरे में रखे हुए थे। और फ्रेंड्स, जो संडे का जो ब्लॉग था फ्रेंड्स, उसके बाद मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं सर्वर धो के गई थी ना संडे को, तो उसके बाद ना मैं बाहर निकल गई थी गीले सर को लेकर, तो ना थोड़ी हवा लगने से मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, उसी वजह से मैंने आगे शूट नहीं किया। तो इसे नेक्स्ट डे है, जो मैं अपने घर जाने से पहले कपड़े धो के गई थी हाथ से, वो भी सूख गए थे फ्रेंड्स। और जो मैंने मशीन लगाई थी संडे को, वो भी सूख गए थे, सारे कपड़े सूख गए थे। तो मैंने सोचा चलो तय लगा लेती हूँ, नहीं तो ये भरते जाएंगे, क्योंकि दूसरे वाले कमरे में ना फ्रेंड्स मैं कपड़े सूखते रहते हैं, और मैं वो करती रहती हूँ, वहीं पर रखती रहती हूँ। और चाय मैं लेकर आ गई हूँ, चाय और नमकीन लेकर बैठ गई हूँ, साथ में टीवी चला लिया है, और स्वास्थ्य चला गया था ट्यूशन। और इसी समय पे फ्रेंड थोड़ा सा मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि स्वास्थ्य जब तक रहता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे, कुछ ना कुछ उसे लगी रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि कहते हैं आराम से टीवी देखती हूँ, और थोड़े से कपड़े जो हैं अपने तय लगा लेती हूँ। तो खूब सारे कपड़े हो गए थे फ्रेंड्स, कपड़े तय लगाने वाले भी बहुत सारे हो गए थे, और जो प्रेस करने वाले होते हैं ना वो भी हो गए थे। और सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े हुए थे, मेरे हस्बैंड के भी पैंट थी, 3 से 4 पैंट उनकी भी हो गई थी, क्योंकि वो तो घर पे ही थे, तो गंदे करने में तो उस्ताद ही हैं मेरे हस्बैंड। तो ना अकेले रहते हैं ना, तो फ्रेंड्स मन नहीं लगता। एक तो ना काम करना नहीं आता, मेरे हस्बैंड ने जैसे शुरू से काम किया नहीं है, जैसे दूसरे कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। पर मेरे हिसाब से हमें ना सिखाना चाहिए अपने बच्चे को काम किस तरीके से, अपने लायक का काम करना आना चाहिए। मैं अपने उससे बता रही हूँ फ्रेंड्स, और मैं अपने स्वास्थ्य को बोलती भी हूँ, बेटा आपको सीखना चाहिए जैसे कि गैस जलाना आना चाहिए, अपने लिए मैगी बना लो कम से कम, कोई नहीं है जैसे ब्रेड खरीद लिया बाहर से कम चाय बना के या दूध गर्म करके ब्रेड खा लो, ब्रेड दूध पी लो, या मैगी बना के खा लो, है ना, जब कोई ना हो। और मैं तो रहती हूँ, तो वैसे ही मैं भी मैं उसको कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ। स्वास्थ्य की एक आदत ऐसी है ना जो मुझे बहुत बेकार लगती है, कि वो कभी भी ना मांग के खाना नहीं खाता, और मुझे ना यही चीज़ पसंद नहीं है। मैं स्वास्थ्य से कितने बार बोलती हूँ, बेटा आपको खाने का मन करता है तो आप मम्मा को बताया करो, मैं आपके लिए बनाऊँगी, बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मैं अपने ही पसंद का बनाती हूँ फ्रेंड्स। बस स्वास्थ्य ना कभी भी नहीं बोलता कि मम्मा मुझे ये खाने का मन है, उसे कभी पूछो ना बहुत सिंपल ही बताता है, तो ज़्यादा खाने का शौकीन नहीं है, जो खिला देती हूँ वही खा लेता है। मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ खाने पीने में, और हाँ बाहर का शौक चढ़ता है उसको, बट मैं बाहर का मैं उसे मना करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ना दूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि वो ना खाए। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि घर से मैं आई थी मकर संक्रांति वाले दिन, और आज जो वीडियो है ये जो जाएगा मेरा वीडियो अपलोड करूँगी, ये है 18 को शायद अपलोड करूँगी, 19 को अपलोड करूँगी।
और ये देखिए फ्रेंड्स स्वास्तिक आ गया था और वो नहा धो के गया था, और आने के बाद उसने डिमांड करी थी मैगी खाने का, तो मैंने मैगी बना दिया था। तो ये मेरे कान्हा बाबू बैठे हुए हैं और स्वास्तिक की ये मैगी तो दोनों को मैंने दे दिया है उनकी कटोरी में निकाल के। कान्हा जी की पूजा स्वास्तिक ने करी आज, तो मैं उसको भी सिखाती हूँ कि स्वास्तिक आप पूजा करो। और ये देखो फ्रेंड्स स्वास्तिक इस कमरे में बैठ ठीक कर रहा था। उससे पहले उसे मैं बोल रही थी कि उस कमरे को ठीक कर देना, क्योंकि जब बैठता है स्वास्तिक ना थोड़ा सा बिस्तरा फ्रेंड्स आपको पता ही है कि थोड़ा ये चिद्रवद्दर ना इधर उधर हो जाती है, तो वही स्वास्तिक ठीक कर रहा था। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने दाल चढ़ा दिया है अपनी, दाल छोंक दी है मैंने, सब्जी थी नहीं फ्रेंड्स तो मैंने दाल ही, मैंने सोचा चलो दाल ही बना लेती हूँ, क्योंकि घर में ना और मेरी थोड़ी सी ना पेट में भी दर्द हो रहा था, तो उसकी वजह से मैं मार्केट वगैरह नहीं गई। तो मैंने चलो घर में जो है उसी को ही बनाऊंगी, अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ बनेगा ही नहीं है ना। तो मैंने बस स्लिप साफ कर ली है जो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है ना। और ये देखिए फ्रेंड्स दाल बन गई थी मेरी। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा बैठ गई थी मैं सीरियल वगैरह देखने के लिए, और यहाँ पर थोड़ी सी चाय रखी हुई थी तो वो गर्म करके मैंने पी ली है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड आए थे वो लेट आए थे और खाना मैंने जल्दी बना लिया था। तो बना रही हूँ मैं रोटी, दाल चावल बना लिया था फ्रेंड्स, और बस रोटी रोटी रह गई है मेरी, तो रोटी सेक लेती हूँ बस, और ज़्यादा रोटी तो नहीं खानी है, सिर्फ 4-5 ही रोटी बनानी थी। तो थोड़ा सा आटा गूंदा था मैंने, और रोटी भी खाते हैं हमारे घर में ज़्यादा, स्वास्थ्य चावल बहुत कम खाता है। तो ठीक है उसे बोलती हूँ चावल भी खाया करो रोटी भी खाया करो, दोनों चीज़ें खाया करो, दोनों की अलग अलग चीज़ें होती हैं ना। और बस ये देखिए बना लेती हूँ जल्दी जल्दी अपनी रोटी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करा करें, शेयर करा करें। आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है बट आप लोग करते ही नहीं हो, तो ना मुझे बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हूँ मैं। तो प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर करना अगर आपने एंड तक देखा है तो, प्लीज़ इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना, और कमेंट ज़रूर करें नए हैं तो, और पुराने हैं तब भी कमेंट किया करें और बताया करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरी रोटी हो गई है तैयार।